वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसका भी पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा कि हिंदी के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह के लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, या हमको हिंदी से अंग्रेजी में यदि उनका ट्रांसलेशन करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी हमने ऐसे वाक्यों की पहचान करना सीखा। इसके बाद में हमने उनको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी ट्रांसलेट करना सीखा। इंट्रोगेटिव में हमने क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं ये भी सीखा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस हैं, दोनों में हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे है आता है। तो हम लोगों ने ये भी सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सीखा। अब आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यदि हम हिंदी में बोले बिना डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तब हम कैसे इस टेंस का यूज़ करेंगे। तो जो पहला यूज़ है जहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट। डिस्क्राइब यानी बताने के लिए, वर्णन करने के लिए, किसी भी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो, स्टिल कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू मतलब लगातार और अभी भी लगातार चल रहा हो, एंड मे एक्सटेंड इन टू द फ्यूचर, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो जारी रहे, इसका अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में वो पास्ट से शुरू होकर कंटिन्यू चला, अभी भी कंटिन्यू है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी एक्सटेंड हो, तब हम इस तरह के वर्ब को, इस तरह की वर्ब जैसा एक्शन करती है उसको कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में फोकस इज ऑन द एक्शन, फोकस एक्शन पर रहता है। कैसे, एक बार टाइमलाइन पे फिर से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। ये हमारी टाइमलाइन है, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, पास्ट है सॉरी, ये प्रेजेंट नाउ जहां पर कि हम अभी हैं, प्रेजेंट, एंड दिस इज फ्यूचर। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस सेंटेंस को ले लेते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग समवेयर यहां पर है, ये मॉर्निंग है। आई हैव बीन रीडिंग, अब रीडिंग कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग ये यहाँ खड़े होकर बोला जा रहा है कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह यानी ये पास्ट में, यहाँ से हमारे रीडिंग का काम चला और यहाँ तक कंटिन्यू है, एंड परहैप्स एक्सटेंड इन टू द फ्यूचर, इसका भी कह नहीं सकते। तो कोई भी काम कहाँ से शुरू होता है, पास्ट से शुरू हो, स्टिल कंटिन्यू, अभी भी बोलते समय भी मैं आई एम रीडिंग, और आगे भी हो सकता है। तो जब हमको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जिसमें कि टाइम दिया हो और टाइम के साथ में वो काम पास्ट से शुरू होकर स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी जारी हो, तब हम किस टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछले पार्ट में मैंने आपको फिर से इसका रिविज़न कराया था। सिंस डेफिनेट टाइम है, सॉरी मॉर्निंग डेफिनेट टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस आएगा। आई हैव बीन रीडिंग यानी मॉर्निंग से लगातार ये काम चल रहा है। शी हैज़ बीन सिटिंग हियर फॉर एन आवर, फॉर ड्यूरेशन के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, तो हमने फॉर का किया। अगेन जो सिटिंग है, वर्ब है, ये कहीं पास्ट से एक घंटे पहले से शुरू हुई एंड स्टिल कंटिन्यू। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, जो बच्चा है उसके क्राई करने का जो टाइम है वो 10 मिनट्स से वो अभी तक लगातार चल रहा है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मैनी वीडियोज़, फोकस इज ऑन द एक्शन, जब
जो इसका यूज़ है कि जब हम एक्शन पर फोकस करना चाहते हैं, उसके रिजल्ट पर नहीं करना चाहते. शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मैनी वीडियोज़. यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ये उसके एक्शन पर, ये उसकी जो फोकस उसके एक्शन पे करना है कि वो बहुत सारे वीडियो देख रही है. तो क्या है यहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है. कोई बात में यदि वो कंटिन्यू चल रहा है एंड वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द एक्शन नॉट ऑन द रिजल्ट, तब क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. तो आप इस दोनों पॉइंट को ये यूज़ नोट कीजिए, इनके एग्जाम्पल्स लीजिए. वीडियो पॉज है, थोड़ी देर बाद इसके आगे के हम लोग फिर जो यूजेस हैं वो पढ़ेंगे. आप इसको नोट करें. और अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के थोड़े से और यूजेस देखते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिंस विथ, फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन. ऐसा कोई एक्शन जो कि फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू हो या सिंस व्हेन से शुरू हो. कैसे, फॉर हाउ लॉन्ग का यूज कब करते हैं, जबकि ड्यूरेशन पूछा जाए. आप कितने साल से इस मकान में रह रहे हैं, इसका मतलब है कितने साल, ड्यूरेशन पूछा गया है. आप सिंस व्हेन, पॉइंट ऑफ टाइम, आप कब से इस मकान में रह रहे हैं, 2005 से रह रहे हैं या फिर जून 2010 से रह रहे हैं. तो जब पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जाए तब हम सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, सिंस व्हेन से. और जब ड्यूरेशन पूछा जाए, फॉर हाउ लॉन्ग. या हमको यदि ड्यूरेशन पूछना है तो हम सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे. और जब हमको पॉइंट ऑफ टाइम पूछना है तो हम किससे शुरू करेंगे, सिंस व्हेन से शुरू करेंगे. कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर. आप यहाँ पर कब से खड़े हुए हैं, यानी कब से खड़े हुए हैं, यानी कि टाइमलाइन पे देखें तो यहाँ ये नाउ है. आप यहाँ पर कब से खड़े हुए, इट मींस यहाँ कहीं से चल रहा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो ये जो ड्यूरेशन है कि आधा घंटे से, एक घंटे से, कितनी देर से खड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर हाउ लॉन्ग. दीपा हैज बीन टॉकिंग ऑल द टाइम. इसको भी छोड़ देते हैं, तीसरा देखते हैं. सिंस व्हेन हैज शी बीन रीडिंग. वो कब से पढ़ रही है. अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जा रहा है. 10 बजे से पढ़ रही है कि सुबह से पढ़ रही है. तो जब पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जाए तो सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे, सिंस व्हेन से शुरू करेंगे. सिंस व्हेन हैज शी बीन रीडिंग. इसके बाद में अगला देखिए कि विद टाइम फ्रेजेस, विद टाइम फ्रेजेस. कुछ ऐसे टाइम फ्रेजेस होते हैं जैसे कि हाउ लॉन्ग है, ऑल द टाइम है, ऑल डे है, ऑल वीक है. इनके साथ में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये अपने आप में ड्यूरेशन बतलाते हैं. इसलिए इनके पहले सिंस ऑल द टाइम, सिंस ऑल डे, सिंस ऑल वीक ऐसा सेंटेंस नहीं किया लिखा जाता है. कैसे, दीपा हैज़ बीन टॉकिंग ऑल द टाइम. अब ऑल द टाइम के पहले हैज़ बीन तो आपको ये बता रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर सिंस या फॉर नहीं लगा हुआ है. तो ये जो ऑल द टाइम, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, इस तरह के टाइम फ्रेजेस के साथ में सिंस का यूज नहीं होता है. तो यहाँ पर हमको सिंस नहीं लगाना है. बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल इवनिंग. ऑल इवनिंग अपने आप में एक ड्यूरेशन है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करना है. बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल इवनिंग. हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये. यहाँ पर यदि इसको टाइमलाइन पे देखें तो ये बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ कहीं इवनिंग है, ऑल द इवनिंग द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, आपको सेंटेंस करेक्शन में भी इस तरह का आ सकता है. इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग. ऑल मॉर्निंग अगेन, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, इनके पहले सिंस का यूज नहीं किया जाएगा. फिर रिसेंटली, लेटली, ये एडवर्ब्स हैं. तो रिसेंटली, लेटली एडवर्ब्स के साथ भी ये डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है.
उसमें फिर सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होगा। ये पहले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, उसको हम समझेंगे, तब देखेंगे कि यहाँ पर इनके साथ में सिंस या फॉर का यूज़ कर रहा कि नहीं। कैसे? रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड। अब रिसेंटली यानी अभी थोड़ा समय पहले से ही। रिसेंटली यदि इसको हम टाइमलाइन पे देखें, रिसेंटली का मतलब होता है अभी नहीं, थोड़ा समय पहले से। मान लो यहाँ पर ये है, यहाँ नहीं, नाउ तो फिर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी रिसेंटली। तो यहाँ से आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड, यानी ये कौन सा हुआ? परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ ना, क्योंकि जो काम है, जो भी वर्ब है, वो अपना एक्शन पास्ट से शुरू कर रही है अप टू नाउ और मे एक्सटेंड इन फ्यूचर। वो नहीं कह सकते फ्यूचर का। तो रिसेंटली और लेटली के साथ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इस तरह से किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि सिंस वेन और फॉर हाउ लॉन्ग से सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं। जब हमको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जानना है तो सिंस वेन से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चन पूछेंगे। जब हमको ड्यूरेशन पूछना है तो फॉर हाउ लॉन्ग से पूछेंगे। यदि सेंटेंस में ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग जैसे टाइम फ्रेजेस दिए हों तो उनके पहले सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। एंड रिसेंटली और लेटली ये जो एडवर्ब्स हैं ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन किस तरह से इनका यूज़ किया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो आप इनको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजेज़ हैं। इन यूजेस से बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोली जा सकती है, बहुत इम्प्रेसिव इंग्लिश बोली जा सकती है। तो आप इनको भी नोट करें। इसके बाद में एक दो और अच्छे यूजेस हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनका उनके यूज़ से आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, तो उसके बाद में उनको लेंगे। पहले आप इसको नोट करें, वीडियो पॉज है, नोट करें जल्दी से। और अब इसका एक और बहुत अच्छा यूज़ है, एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। ऐसा कोई एक्शन जो पहले पूरा हो गया हो, यानी वर्ब अपना एक्शन पूरा कर चुकी है। इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। पहले एग्जांपल देखते हैं। व्हाई आर योर क्लोथ्स वेट? आपके कपड़े गीले क्यों हैं? एक्शन इज फिनिश्ड, ये एक्शन पूरा हो गया, यानी कपड़े गीले हो गए। अब जो कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी है वो क्या कर रही है? ये गीले कपड़े होने का कारण, जो ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि ये जो कपड़े गीले हैं ये क्यों गीले हैं? आई हैव बीन वॉटरिंग द गार्डन, मैं गार्डन में पानी दे रहा था या दे रही थी, दैट्स वाई माई क्लोथ्स आर वेट। तो यहाँ पर जो ये एक्शन है ये फिनिश हो गया, लेकिन जो ये कंटिन्यूटी है, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो यहाँ पर इस सेंटेंस के जो कारण है, उसका रीज़न है, एक्सप्लेनेशन दे दिया जा रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई दिस टेंस इज यूज्ड, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। आई हैव बीन वॉटरिंग, मैं गार्डन में पानी दे रहा हूँ, तो इसका क्लोथ्स वेट होने का रीज़न। द ग्रास इज वेट, घास गीली है, कंप्लीट फिनिश एक्शन। लेकिन जो वेट होने का एक्सप्लेनेशन है कि वो ग्रास वेट क्यों है, गीली क्यों है, नम क्यों है, तो इसका कारण क्या है? बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, कंटिन्यू हो रही है बारिश। तो इट इज़ रेनिंग नहीं है, इट इज़ रेनिंग का तो मतलब क्या होगा कि एट द टाइम, एट दिस मोमेंट वो बारिश हो रही है, लेकिन ये क्या बतला रहा है कि थोड़ी देर पहले से हो रही है बारिश, दैट्स वाई ग्रास इज वेट। तो वन एक्शन इज जो ये है ये फिनिश हो गया, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दे रहा है। आई एम टायर्ड, एक्शन इज फिनिश्ड, जो ये वर्ब है ये एन एक्शन ऑलरेडी, आई एम टायर्ड। लेकिन आई एम टायर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या है? आई हैव बीन रनिंग, बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। टाइम लाइन पे देखो, यहां पर ये है आई एम टायर्ड एट दिस मोमेंट, आई एम टायर्ड। अब मैं टायर्ड में थकी हुई क्यों हूँ? बिकॉज आई हैव बीन रनिंग,
समवेयर यहाँ से ये कंटिन्यू चल रहा था रनिंग का, आई हैव बीन रनिंग। तो ये जो एक्शन है वर्ब का ये कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन ये जो आई हैव बीन रनिंग है ये इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसके टायर्ड होने का ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है जो कि स्पोकन में बहुत काम में आता है, और आप इसको भी इस पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं, और आप देखेंगे दिन भर में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जब हम एक एक्शन को फिनिश करते हैं और जो उसका एक्सप्लेनेशन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा देते हैं। अब आप ऐसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें और उनको इंग्लिश में बोलें, उनको इंग्लिश में उनकी प्रैक्टिस करें। जल्दी से इसको इस यूज़ को आप नोट करें। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसको भी ज़रूर से देखें और समझें, क्योंकि वो ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहले इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिमिलरिटीज क्या है ये देख लेते हैं। तो दोनों ही टेंस का यूज फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शन के साथ में किया जाता है, यानी हम जब कोई भी वर्ब है वो एक्शन को फिनिश करती है तब भी हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, और अनफिनिश्ड के लिए भी कर सकते हैं। ये हम लोग नीचे एग्जांपल्स में देखेंगे। सिंस या फॉर के साथ भी परफेक्ट टेंस में भी, हमने जब परफेक्ट टेंस पढ़ा तब देखा था कि परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में तो होता ही है। कुछ वर्ब लिव है, वर्क है, स्टडी है, यदि इनके सेंटेंस हम लोग देखें तो दोनों टेंसेज में यदि लिव वर्ब का यूज़ है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, तो मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। कैसे? दे हैव लिव्ड, अब आप हैव लिव्ड कर दें या हैव बीन लिविंग कर दें, इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स मीनिंग इज सेम। दे हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, वो मुंबई में 10 साल से रह रहे हैं, यानी अप टू नाउ 10 साल पहले से। दे हैव बीन लिविंग टाइमलाइन पे भी यदि हम इसको देखें तो 10 साल पहले से रह रहे हैं, अप टू नाउ एंड प्रोबेबली इन फ्यूचर भी। तो जो लिव वर्ब है ये दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही टेंस में मीनिंग सेम। आई हैव स्टडीड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मीनिंग इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने सुबह से पढ़ाई की है, स्टिल आई एम स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। ही हैज़ वर्कड, हैज़ बीन वर्किंग, ये जो वर्ब है इन, ये वर्ब परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इनमें मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिंस और फॉर का हमने ये देखा कि सिंस और फॉर परफेक्ट टेंस में भी यूज किया गया, दे हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, सिंस का यूज हो गया, यहाँ पर फॉर का हो गया। आई हैव स्टडीड सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखा कि सिंस और फॉर का यूज होता है। फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शन के लिए, यदि एक्शन कंप्लीट है परफेक्ट टेंस का, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है, जब एक्शन कंप्लीट होता है, और अनफिनिश्ड जब ये सिंस और फॉर के साथ में। इसके पहले हमने परफेक्ट कंटिन्यूस को भी देखा कि द ग्रास इज वेट बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी एक कंप्लीट जो एक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो दोनों टेंस में ये सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, कन्फ्यूज़न होता है दोनों टेंस के कि कब यूज़ किया जाए, वो एक बहुत बड़ा एक मेजर एरिया है जहाँ पर कि स्टूडेंट गलती करते हैं, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि दोनों टेंसेज में, ये तो सिमिलरिटी है, दोनों टेंसेज के यूज़ में डिफरेंस क्या है, कब हमको परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, कब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस को देखेंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट
एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या है, कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें और कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करें। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एक्शन इज फिनिश्ड, जो प्रेजेंट, ये यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होता है, एक्शन इज फिनिश्ड। हम लोग जब हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो कहते कोई काम पास्ट में कहीं पर पूरा हो जाता है। मैंने खाना खा लिया है, यानी जो अभी है उससे थोड़ा देर पहले ये काम कर लिया है। तो एक्शन इज फिनिश्ड। फोकस इज ऑन द रिजल्ट, फोकस रिजल्ट पर रहता है। परफेक्ट टेंस में फोकस कहाँ रहता है, रिजल्ट पर रहता है। जैसे यू हैव क्लीन द रूम, रिजल्ट क्या निकला, इट लुक्स लवली। तो जो फोकस है इज ऑन द रिजल्ट। चाबियां गुम गई हैं, ये तो क्या हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ। तो जो एक्शन पर नहीं है, फोकस क्या है कि हमको बाहर खड़े रहना है, अब हम बाहर खड़े हैं चाबी गुमने के कारण। तो फोकस, एक्शन तो फिनिश हो गया लेकिन फोकस किस पर है, रिजल्ट पर है। यू हैव क्लीन द रूम, इट लुक्स लवली। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, फोकस इज ऑन एक्टिविटी, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्टिविटी यानी जो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है, इस ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे, आई हैव बीन वॉटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर जो ये एक्टिविटी है ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेंस एक्टिविटी पर फोकस करता है, जबकि ये टेंस किस पर फोकस करता है, रिजल्ट पर फोकस करता है। फिर हाउ मैनी और हाउ मच के साथ में, देखिए दोनों टेंस में सिमिलरिटी भी बहुत है ये हम लोगों ने देखा, लेकिन जो दोनों में डिफरेंस है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये हाउ मैनी हाउ मच के साथ यूज़ होता है, जबकि ये टेंस हाउ मैनी हाउ मच के साथ यूज़ नहीं होता। कैसे, उसने 2 उपन्यास पढ़ लिए हैं, उसने अंग्रेजी की 2 किताबें पढ़ लिए हैं, फिनिश्ड एक्शन, वो पढ़ चुका है, लेकिन हाउ मैनी 2 और 3। वह 2 बार खाना खा चुका है, उसने 2 बार नाश्ता कर लिया है, फिनिश्ड एक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हाउ मैनी, यहाँ पर इस तरह का इस तरह का यहाँ पर नहीं आता है। हाउ मैनी हाउ मच, शी हैज़ रेड 2 नॉवल्स, हाउ मैनी 2 नॉवल्स, शी हैज़ ड्रंक 3 कप्स ऑफ टी दिस मॉर्निंग, हाउ मच, उसने 3 कप चाय सुबह से पी ली है। एक्शन इज फिनिश्ड लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, फोकस किस पर है, हाउ मच पर है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हाउ मैनी या हाउ मच इस तरह के सेंटेंस इस टेंस में नहीं आते हैं। ये हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंस और फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। कैसे, शी हैज़ बीन रीडिंग दैट बुक सिंस मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग, सिंस वेन, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ये बतलाता है, लेकिन हाउ मच और हाउ मैनी का इसमें यूज नहीं होता है। फिर जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये फोकस ऑन कंप्लीशन, कोई भी काम पूरा होने का इसमें फोकस रहता है। फिनिश्ड, जो एक्शन इज फिनिश्ड, जो कंप्लीट एक्शन पर इसका फोकस रहता है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट मैं खेल चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेल लिया है, तो यहाँ पर फोकस किस पर है, फोकस है कि कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, किसी भी एक्शन के कंप्लीशन, उसके पूरा होने पर फोकस किया जाता है। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है, फोकस ऑन कंटिन्यूटी, यहाँ पर काम पूरा नहीं होता, फिनिश नहीं होता, कंटिन्यू चला रहता है, और इसका जो मेन फोकस है वो उसी कंटिन्यूटी पे। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैंने क्रिकेट, इसको टाइमलाइन पे सेंटेंस को यदि हम देखें तो यहाँ है नाउ, मैंने, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो समवेयर इधर पे मैंने क्रिकेट को खेल लिया है यहाँ पर ये, और आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मान लीजिए यहाँ पर ये 2 आवर्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ क्रिकेट खेलना, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 2 घंटे से ये लगातार यहाँ तक अप टू नाउ बोलने तक वो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीशन हो गया है, यहाँ कहीं पहले ही खेल लिया है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो कैसा है, इसमें एक्शन फिनिश होता है,
और इसमें कंटिन्यूटी पर जो फोकस करता है, इसमें फिनिश्ड एक्शन जो फोकस इज ऑन द रिजल्ट और कंप्लीशन हो जाता है, कोई भी वर्ब है उसका एक्शन कंप्लीट हो जाता है, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूटी होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मैनी हाउ मच, मैंने 3 बार ये किताब पढ़ी है, ऐसा कहीं हाउ मच या हाउ मैनी को इस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता। तो ये हमको एक हिंट भी है, यदि फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसमें बिना कंफ्यूज हुए परफेक्ट टेंस भर सकते हैं, हमें भरना है उसमें, और यदि एक्टिविटी पर फोकस है तब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरना है। इसके आगे कुछ और अंतर है दोनों टेंसेज में, उनको भी हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है स्टेटिव वर्ब्स का। मैंने आपको स्टेटिव वर्ब का एक अलग वीडियो भी, वीडियो के द्वारा भी मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग फिर से प्लेलिस्ट में जाएं और वर्ब में जाकर स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब को फिर से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर कि बहुत सारी गलतियाँ होने की संभावना रहती है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो स्टेटिव वर्ब के साथ यूज़ होता है, जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टेटिव वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है। कैसे? आई हैव नोन दीपा सिंस 2015। यहाँ पर जो ये नो वर्ब है, नो वर्ब इज स्टेटिव वर्ब, इसकी नोइंग फॉर्म नहीं होगी, दैट्स वाई इस नो वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस को ऐसा नहीं कहा जा सकता, आई हैव बीन नोइंग दीपा सिंस 2015। ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों होगा? कि जो नो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, और यदि होता भी है तो वो एक अलग मीनिंग में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसको आप फिर से प्लेलिस्ट में जाके वर्ब में जाएं और वर्ब में जाके स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब को फिर से पढ़ें। इसके बाद में हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, इस एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत जो आपको डाउट है वो भी दूर होंगे। इट डैश डैश ऑल वीक, वर्ब है रेन, आपको रेन की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब जो ऑल वीक मैंने आपको बताया था, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल डे, ये किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, और इनके साथ सिंस का यूज भी नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर जब हम ऑल वीक देखेंगे तो हम कौन सी वर्ब लगा देंगे, क्योंकि इट है, हैज़ बीन आ जाएगा, और हैज़ बीन के साथ में कंटिन्यूटी के लिए वर्ब आईएनजी रेनिंग। दूसरा देखो, यू डैश डैश अप येट, तो जो ये येट एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, हमको एक क्लू है, एक हिंट है। तो ये इस जैसे ही हम देखेंगे कि येट है, जस्ट है, इस तरह का है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, यानी या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे और इसके बाद में V3 लगा देंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, यू के साथ हैव आएगा, हैव के बाद नॉट लगाएंगे, ईटन, यू हैव नॉट ईटन अप येट, क्लियर? हाउ मैनी टाइम्स, जब हमने अभी डिफरेंस देखे, हाउ मैनी टाइम्स, इस तरह के सेंटेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते, इनके साथ में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब आती है। हाउ मैनी टाइम्स, जैसे ही आपने देखा यहाँ पर वर्ब है टेल, तो ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आई के पहले आपने क्या लगाया, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि देखने में लगता है कि हाँ यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में हाउ मैनी, हाउ मच, इनके साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा, परफेक्ट टेंस का यूज होगा, यानी हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी डैश डैश द बस ट्वाइस दिस वीक, अगेन ट्वाइस, हाउ मैनी टाइम्स ट्वाइस, तो यहाँ पर मिस वर्ब है, यानी कितनी बार हमसे बस छूट गई, तो वी के साथ में हमने जैसे ही देखा कि हाउ मैनी टाइम्स का आंसर आ रहा है, तो हमको हैव लगाना है, वी हैव मिस्ड,
यहाँ पर हमने कर दिया वी हैव मिस्ड द बस ट्वाइस दिस वीक. आई माय लेसन फॉर 2 hours. क्लियर है? फॉर 2 hours नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन, यहाँ पर वर्ब नहीं है, लर्निंग कर देते हैं, लर्निंग. आई हैव बीन लर्निंग माई lessons. लेसन फॉर 2 hours. ड्यूरेशन दिया गया है तो हमने यहाँ पर क्या किया, हैव बीन और वर्ब आईएनजी. तो ये आप लोगों ने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके यूजेस भी बहुत अच्छे हैं. यदि आप स्पोकन इंग्लिश पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, तो इस टेंस के यूजेस पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए. आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोल पाएंगे. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी भी बहुत है और अंतर भी बहुत है, तो दोनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से आप उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि जो गलतियां होती हैं, जो आपको एरर डिटेक्शन आता है, या जो आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसमें आप जब टेंस आइडेंटिफाई करते हैं तो टेंस आइडेंटिफाई में ही गलतियां हो जाती हैं. तो यदि आप ये डिफरेंस को याद रखेंगे, इनके सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत सही सही जो सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे, उनको बोल पाएंगे. तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो part 2 था वो हमारा आज पूरा होता है. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद.